जम्मू कश्मीर के नवागदल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस मुठभेड़ में कितने आतंकी मारे गए हैं फिलहाल इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। श्रीनगर में सुबह से जारी मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए हैं। इसमें 1 CRPF कर्मी है और 1 अन्य पुलिस का जवान है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के मद्देनजर शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जाने की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को आधी रात को जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने श्रीनगर के नवागदल इलाके में कुछ मकानों को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान वहां छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। श्रीनगर के नवागदल इलाके में देर रात आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस और CRPF ने उस इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था। सघन बस्ती वाले इस इलाके में लगभग आधी रात को शुरू हुए इस तलाशी अभियान में जब जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने कुछ घरों को घेर लिया तो उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। बता दें कि इससे पहले 28 अप्रैल को सोपियां जिले के जैनपोरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे। 17 मई को जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 1 जवान शहीद हो गया था। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी भी ढेर हुआ था। वहीं कई आतंकियों को ढेर करने के बाद से ही लगातार सेना और पुलिस ने आतंकवाद पर अब नकेल कसने की तैयारी कर ली है। न्यूज़ डेस्क।